अस्सलाम वालेकुम, निघस किचन में खुश आमदीद। कैसे हैं आप लोग? मेरी दुआएं हमेशा खुश हैं भाई। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ। ये इतनी ज़बरदस्त होती है कि बच्चे बड़े बूढ़े सब बड़े शौक से खाते हैं। मेरे घर में तो यूँ बनती है और यूँ ख़त्म हो जाती है। तो जी मैं लेकर आई हूँ चिकन चीज़ी कटलेट। ये बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, आपको दिखाती हूँ कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें शामिल कर रहे हैं। चीज़ी चिकन कटलेट के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए उसके लिए मैंने लिया है ये 600 ग्राम। मैंने चिकन को बॉईल किया है, ब्रेस्ट है ये। इसको बॉईल करके बारीक इस तरह मैंने इसके बिल्कुल इस तरह चंक से बना दिए। और चार मैंने आलू लिए हैं, उनको बॉईल करने के बाद मैंने बिल्कुल इस तरीके से मैश कर लिया है। और ये एक कप मैंने ली है चेडर चीज़, इसको भी मैंने श्रेड कर लिया है। और एक प्याली भर कर मैंने लिया है पालक, इसको मैंने बारीक बारीक इस तरह कट कर लिया है। ये भी हम इसमें शामिल करेंगे, इसे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। हाफ कप मैंने लिए हैं कॉर्न, ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। एक अंडा शामिल करेंगे, 2 टेबलस्पून मक्खन शामिल करेंगे, हॉट सॉस 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे, 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। और ये हेलोपिनोज हैं, ये मैंने बारीक बारीक 2 टेबलस्पून लिए हैं, इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप मिर्चों में सिरका डालकर थोड़ा सा पानी डालकर उसको बॉयल करके 1-2 घंटा रख लें तो ये रेडी हो जाएंगे। 1 टेबल स्पून मैंने लिया है चिकन पाउडर, 1 टीस्पून मैंने लिया है वाइट पेपर, 1 टेबलस्पून मैंने लिया है ब्लैक पेपर, ये 2 कप मैंने लिया है ब्रेड क्रम्स का। हम इसकी कोटिंग भी करेंगे और अगर हम इसमें मिक्सिंग के दौरान अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो भी हम इस्तेमाल करेंगे। चलिए जी अब हम शुरू करते हैं। पहले हम सारे स्पाइसेस डाल देंगे, ब्लैक पेपर और वाइट पेपर मैंने शामिल कर दिया है, ये चिकन पाउडर है, 1 टेबल स्पून मैंने चिकन पाउडर डाल दिया है और 2 टेबल स्पून मैंने ये हेलोपिनोज डाल दिए हैं, 1 टीस्पून मैंने ये नमक का शामिल किया है, हॉट सॉस शामिल कर रही हूँ, 2 टेबल स्पून मैंने मक्खन भी शामिल कर दिया है, ये कॉर्न भी हम शामिल कर देंगे। अब इसको हम हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि सब मसाले चिकन के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। उसके बाद बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। ये कटलेट बहुत शानदार बनते हैं, बहुत ही इसका मज़ा आता है और हमारे यहाँ ये बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा फरमाइश बच्चे करते हैं कि जी ये बनाएं आप, क्योंकि ये बहुत शानदार बनते हैं और ख़ासकर मैं दावतों में अक्सर बनाती हूँ। ये इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है, अब हम इसमें चीज़ शामिल करेंगे। चीज़ को भी मिक्स कर लेंगे पहले। बाउल मैंने चेंज कर लिया है, वो बाउल छोटा था। चीज़ को भी अच्छे तरीके से इसके साथ हम मिक्स कर लेंगे, सारे स्पाइसेस भी अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाएंगे। अब हम डालते हैं पालक, और इसके साथ ही हम आलू भी डाल देंगे। अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करेंगे। ये मिक्सचर रेडी हो गया है, अच्छे तरीके से मैंने इसे मिक्स कर लिया है और यहाँ मैंने अंडे को फेंक लिया और अब हम इसे फ्राई करते हैं। शेप आपकी मर्जी के ऊपर है, आप जो भी शेप बनाना चाहें। मैं कुछ राउंड बनाऊंगी और कुछ लंबाई में बनाऊंगी। इसको शेप देना बहुत आसान है क्योंकि इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो गई है, हमें ब्रेड क्रम्स भी इस्तेमाल नहीं करने पड़े हैं। बहुत अच्छे तरीके से हमारा ये मटेरियल तैयार हुआ है। इसकी कोटिंग कर लेते हैं, पहले हमने अंडे में डाल दिया है, ये ब्रेड क्रम्स में हो गया है। इसी तरह हम सब की कोटिंग करके फिर फ्राई करते हैं। ब्रेड क्रम्स आपको जो पसंद हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे पास थोड़े से मोटे वाले हैं।
जी देखिए मैंने कोटिंग करके रख ली है, पैन मैंने चूल्हे पर रख दिया है और अब इसमें ऑयल डालते हैं और इसे फ्राई करते हैं। शैलो फ्राई करेंगे हम। ऑयल गर्म हो गया है, कटलेट को डालते हैं ऑयल में। एक साइड पर हमें गोल्डन ब्राउन होने के लिए 2 मिनट तक पकाना है, उसके बाद हम साइड चेंज करेंगे और फ्लेम मीडियम पर है। एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो गए, मैंने इसके साइड चेंज कर दिया, दूसरी साइड से कर रहे हैं। अगर आपको कम, ये भी मैंने बहुत कम ऑयल में ही फ्राई कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको इससे कम ऑयल में भी फ्राई करना है तो आप बहुत 2-3 टेबल स्पून में भी कर सकते हैं और एयर फ्राई भी कर सकते हैं। दूसरी साइड से भी हो गए, ये मैं निकाल रही हूँ। बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त इनका कलर आया है। ये जी हम अब ये वाले डालते हैं। ये देखें हमारे ये कटलेट भी बिल्कुल तैयार हो गए हैं। ये देखें इसे मैं घुमा के आपको दिखाती हूँ, ये रेडी हो चुके हैं, इसे भी हम निकाल लेते हैं। ये देखें हमारे मज़ेदार से क्रिस्पी कटलेट तैयार हैं, मैंने निकाल लिए हैं और अब हम इसकी मज़ेदार सी सॉस तैयार करते हैं। ये जी आधा कप मैंने लिया है मायो, आधा कप मैंने लिया है दही, गार्लिक पाउडर मैंने लिया है आधा टीस्पून और आधा ही टीस्पून काली मिर्च ली है और आधा ही टीस्पून मैंने ओरिगानो लिया है। और अब हम मायो में दही को मिक्स कर देंगे, अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे और फिर हम अपने स्पाइसेस इसमें शामिल करेंगे। हमारी मज़ेदार सी सॉस तैयार हो जाएगी। गार्लिक पाउडर चला है, काली मिर्च और ओरिगानो भी। जी ये थे हमारे चिकन चीज़ी कटलेट और मैं आपको टेस्ट करके नहीं बता सकी, इसलिए कि ये जैसे ही मैंने बनाए और मैं किचन से बाहर आई हूँ कि बच्चों को मैं सर्व करती हूँ, देती हूँ, और मैंने उनसे कहा कि जी थोड़े से आप बचा के रखना, मैंने अभी अपने व्यूवर्स को बताना है कि कैसे बने। भाई मैं पलटी हूँ तो वो तो ख़त्म हो गए, सब उन्होंने खा लिए, सबको इतने पसंद आए, तो इसलिए मैं आपको बता नहीं सकी टेस्ट करके। आप जल्दी से बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगे। इंतहाई शानदार रेसिपी है। चलें जी अपना बहुत सा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली रेसिपी में बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।